हाँ अभी ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ये देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी जो हमने पिछले क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया, अब इसका वही प्रॉब्लम है, उस पर कुछ प्रॉब्लम है एज ए परेक्टस। तो अभी आपके पास वो जो लास्ट दो टाइप्स थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली, सही है ना? कि जी सर, तो फॉर एग्जांपल मैं फिर वही डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का हमने ये रेड रेड कलर पर जो बात लिखी है, ये मेन चीज़ है कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। उसमें एक पी फंक्शन होगा, पी फंक्शन कहाँ पे होगा, वो वाई के फ्रंट पे होगा, और राइट साइड पर जो फंक्शन होगा उसका नाम आपने क्यों लगाना है, और फिर उसको उठाकर आप लोगों ने मालूम करना है इंटीग्रल फैक्टर, जो कि मैंने यहाँ किसी जगह पर हाईलाइट किया होगा फार्मूले में कि दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर। ये देखें कि आप लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर मालूम करना है, और इंटीग्रल फैक्टर कैसे होगा, पी वाला फंक्शन ई के ऊपर क्या करें, इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करें, और जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर आप इस फार्मूले में पुटिंग करें कि इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू फंक्शन। इंटीग्रल फैक्टर और क्यू फंक्शन का प्रोडक्ट लेकर उसके इंटीग्रेशन कर ले। तो ये तीन चीज़ें Yes. हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। स्टैंडर्ड बनाने से ये होगा कि आपके पास पी फंक्शन आ जाएगा और क्यू फंक्शन आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होगा, डी वाई बाई डी एक्स अकेला होगा, दूसरा टर्म अकेला होगा, तीसरा टर्म अकेला होगा। दूसरा टर्म जो होगा वो वाई और कोफिशेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, तो वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो होगा, वाई के साथ जो कोफिशेंट होगा वो होगा पी फंक्शन, और राइट साइड पर जो एक्स वाला रिजल्ट होगा, एक्स वाला, वो क्यू फंक्शन होगा। Yes. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये प्रॉब्लम है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बाहर एक प्लस वाई दूसरा भी लेकर गया है, तो अब आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना कैसे है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आपको अकेला छोड़ना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला Yes. जाएगा, और इस एक वाई के साथ वाई 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 वाई, यहाँ से एक्स पूरा कट जाएगा ना, तो इसके नीचे एक्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो टर्म में देख लें, इन दो टर्मों में वाई कामन करें, जब वाई कामन आ जाएगा तो वाई के फ्रंट पर जो कोएफिशिएंट आ गया, नो दिस इज द पी फंक्शन, सही है ना? जी और राइट साइड पर जब आपने एक्स डिवाइड किया तो वन से बना वन ओवर एक्स, ये वन ओवर एक्स जो है दिस इज द क्यू फंक्शन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके पास क्यू फंक्शन है और ये आपके पास पी फंक्शन है, और लिखा भी है कि नो कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है कि पी फंक्शन मेरे पास है वन प्लस वन ओवर एक्स और क्यू फंक्शन मेरे पास है वन ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर का मतलब कि पी फंक्शन को ई के ऊपर इंटीग्रेट करें। तो ये देखिए मैंने पी फंक्शन को ई के ऊपर इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब वन का इंटीग्रेशन मैंने लिया है, देखें वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, हाँ जी सर, किधर लिखा है, इधर लिखा है, ए वन का इंटीग्रेशन आ गया एक्स, और वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कितना, लॉग एक्स। लॉग एक्स, अब ये डबल ई है, मतलब ऊपर प्लस लिख गया है, तो अलग अलग बेस ले ले, ई पावर एक्स एन टू ई पावर एक्स। ये जो ऊपर वाला प्लस आपको नजर आ रहा है ये अलजबरिक रूल है, अलजबरा रूल है कि डबल पावर को एक, मतलब सिंगल पावर को डबल लिखने से वो जो ऊपर प्लस था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं दोबारा एक ई ले लूं तो ऊपर वाला पावर एड हो जाएगा, और मकसद क्या था मेरा कि ये लॉग और ये ई कैंसिल हो गया, तो एक्स एक्स ई पावर एक्स, ये मेरे पास बना इंटीग्रल फैक्टर। फिर मैंने फार्मूला लिखा कि वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, तो ये वाई के साथ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड हो गया, और क्यू फंक्शन मेरा था वन ओवर एक्स, और ये मेरे पास था इंटीग्रल फैक्टर, तो ये एक्स और ये एक्स उड़ गया, ई रह गया, और ई का इंटीग्रेशन ई आ गया वापस। Yes. तो अब अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले कर ले, वरना जरूरत नहीं है, बस दिस इज द सॉल्यूशन। अब अगर इसमें सी की वैल्यू इन्वॉल्व है तो हम सी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन नहीं है। Yes. तो इसको हम अब कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, इसको सर हम जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम दोबारा मैंने डिस्कस किया, क्योंकि असल में हमारा आज जो मेन टारगेट था ना वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर डिस्कस, पूरी कोर्स को लेके एक एक एग्जाम्पल से, एक एक एक्सरसाइज से, बल्कि एक एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन टच किया,
ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स को ले, बुक को ले, जो मैंने बताया था मैथमेटिकल टेक्निक वाला बुक चैप्टर नंबर 7, तो हर एक्सरसाइज के अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़िए, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें ऐसा है जिसके साथ कंडीशन गिवन है। तो इसलिए मैंने हर एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन वापस एज ए रिवीजन उठाया कि एक तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरी बात वो इनिशियल कंडीशन भी हम बार बार यूज़ करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। अच्छा, आप इस सवाल को देखें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस ई पावर एक्स इंटू वाई माइनस थ्री इंटू ई पावर एक्स प्लस वन प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इजीली वी कैन गेट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला और ये टर्म जो है ये वाई के साथ फ्रंट पर मल्टीप्लाइड है और ये एक्स वाला फंक्शन जो है ये मेरा क्यू हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने लिखा है कि दिस इज द पी फंक्शन, इसका नाम मैंने पी लगाया और इस पूरे फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा, क्यू, क्यों रखा। अब इस पी को ई के ऊपर इंटीग्रेट करें, पी को ई के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वी गेट द इंटीग्रल फैक्टर। ये देखिए मैं इसको ई के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इस पर फिर लाग रूल लगा ले, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करें, वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, यस सर, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई पावर एक्स। तो नीचे वाला डेरिवेटिव से ऊपर वाला फंक्शन आता है, सो वी कैन टेक नेचुरल लॉग। ये देखिए मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स। तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा ई पावर एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, वाई के साथ इंटीग्रल फैक्टर और क्यू के साथ इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेशन। यहाँ वाई के साथ तो इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड हो गया और ये पूरा है क्यू फंक्शन और ये है यहाँ तक इंटीग्रल फैक्टर। इस तीन को मैंने बाहर निकाला और 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर बना, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाइड हो गए और ये जो ई पावर एक्स है इसको मैंने इधर बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर एक और रूल है इंटीग्रेशन वाला, मैं आपको यहाँ रफ साइड पे लिखता हूँ। हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास फंक्शन ऐसा होगा जिसके ऊपर आ जाएगा पावर और एक फंक्शन ऐसा आ जाएगा जिसके साथ प्रोडक्ट में आएगा एफ, लेकिन वो उसका होगा डेरिवेटिव। तो फिर हमने इस फॉर्म में ऐसा लिखा था कि आप इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, आप इसके पावर के साथ एक वन ऊपर ऐड करें और एक वन नीचे ऐड करें। तो ये वाला जो रूल है लॉग रूल, ये मैं अब यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, आप लोग देखें कि मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। लेकिन इस रूल के लिए कंडीशन है कि सबसे पहले इस पावर वाले टर्म का डेरिवेटिव चेक करें कि ये आ जाए, वन का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ जीरो, यस सर, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, ये डेरिवेटिव आपको ये डेरिवेटिव आपको ये सेकंड फंक्शन दे रहा है। जब आप डेरिवेटिव चेक करोगे ना तो बगैर पावर के 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव चेक नहीं करोगे, विदाउट पावर डेरिवेटिव चेक करोगे। तो अगर विदाउट पावर डेरिवेटिव से वो जो प्रोडक्ट में फंक्शन पड़ा है वो आ गया, तो फिर आप ये रूल लगा ले कि पावर वाले फंक्शन के साथ एक पावर ऊपर ऐड करें एक पावर नीचे। ये देखिए मैंने पावर ऐड कर दिया, 3 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो मेरे पास ये रिजल्ट बना और 1 प्लस ई पावर एक्स को दोनों साइड पर डिवाइड करें, वी गेट ये रिजल्ट। सी इन्वॉल्व है, सी को मैं फाइंड करूंगा, क्योंकि इस सवाल में प्रॉब्लम ये बनते कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये देख लें, ई पावर जीरो से बना 1, यहाँ पर भी ई पावर जीरो से बना 1 और 1 प्लस 1 होल स्क्वायर से बना 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से बना कितना, 4 और राइट साइड पर y की वैल्यू 4, तो ये y की वैल्यू मैंने 4 यहाँ पे डाली है। चलो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर 0 आ गया। 2 को शिफ्ट करो वहाँ पे तो c की वैल्यू 0, जब c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फुल टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म नहीं है, ये फुल 0 हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर, और ये देखिए लिखा है। Yes. अब लास्ट जो टॉपिक है वो फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमने एक चीज पढ़ा था, बर्नौली, और बर्नौली हिस्ट्री, ये पूरा नाम है जेकूबी बर्नौली 1656 1705, स्विस मैथमेटिशियन, एक स्विस मैथमेटिशियन नाम है।
और इस दौरान ये जो 1654 से लेकर 1705 इस दौरान इसकी ये हिस्ट्री मौजूद है मैथमेटिक्स में कि इसने लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इन टू क्यू, और ये आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राइट साइड पर वाई पावर एन होगा। अगर इस एन को मैं ज़ीरो कर दूँ तो ये लीनियर बन जाएगा, लेकिन अगर ये ज़ीरो ना हुआ तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा। और ये नॉन लीनियर क्यों हो जाएगा, असल में ये टर्म जब इधर डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ प्रोडक्ट ऑफ वाई आ जाएगा। हाँ यस सर। और लीनियर के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ वाई और उसके डेरिवेटिव ये एब्सेंट होना चाहिए, वाई वाई और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में ना हो, ये एक कंडीशन था। एक कंडीशन था कि डेरिवेटिव और वाई की डिग्री वन हो, तो अगर ये डिग्री आप वन कर दें, इनको अगर आप वन ले लें तो ये डिग्री वन तो नज़र आ जाएगी, लेकिन ये उधर शिफ्ट होकर फिर प्रोडक्ट में चला जाएगा। यस। फिर दूसरी इशू डाल दी गई, एनी हो फॉर एन इज इक्वल टू वन दिस इज द लीनियर, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि व्हेन एन इज इक्वल टू वन एट बिकम नॉन लीनियर, और जब ये नॉन लीनियर बन जाएगा तो फिर इसको हम बर्नूली प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखे गए कि जब ये बर्नूली फॉर्म बन जाएगा तो जिसको आपने बाई सपोजिशन इसको आपने कन्वर्ट करना है। और आखिर अगर आपको याद है मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपके पास वाई पावर एन है तो आप सपोजिशन में एक दर्जा उसको कम कर ले, हाँ ये पढ़ा था ना जी, तो ये मैंने एक दर्जा कम कर दिया, माइनस एन से एक वन सब्ट्रैक करें तो ये एक दर्जा कम हो जाएगा, नहीं बल्कि सॉरी माइनस सूरत में ये पढ़ा था कि अगर ये माइनस टू है तो आप माइनस थ्री ले लें, बढ़ाना होगा जी सर, ठीक है ना, बड़ा तो नहीं होगा लेकिन वैसे न्यूमेरिकली वो थ्री बड़ा नजर आएगा ना, टू से थ्री बनता है, लेकिन जब माइनस लगाओगे तो फिर वो कम बन जाता है। बहरहाल सिंपल सी बात यह है कि जितना पावर होगा उसे एक दर्जा कम लेकर सपोजिशन कर लें, तो फिर वो जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्नौली मैथमेटिशियन, उसने ये प्रोसेस बताए हैं। तो अब इस प्रोसेस पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल ये है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। मेरे पास जो राइट साइड पर टर्म पड़ा है वो है वाई स्क्वायर, इसकी वजह से ये इक्वेशन लानी है। अगर इस फुल इक्वेशन को मैं एक्स वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर लूँ, एक्स वाई स्क्वायर पर असल में इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ ताकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स अकेला मिल जाए, लेकिन वो अकेला नहीं मिल रहा है, उसके साथ स्टिल वही पावर आ गया वाई पावर माइनस टू, सही है। हेलो जी सर। हाँ, तो एक्स वाई स्क्वायर को जब मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एक वाई कट गया और यहाँ पे वन ओवर एक्स बन गया, वन ओवर एक्स इन टू वन ओवर वाई, चूंकि वाई स्क्वायर पर डिवाइड किया ना तो वाई से बना वन ओवर वाई, और यहाँ से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो इसके साथ ये वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब क्यू फंक्शन आपको ईजीली मिला, क्यू फंक्शन राइट साइड पर सारा एक्स वाला फंक्शन होता है, सो दिस इज द क्यू फंक्शन। लेकिन मसला अब क्या है, मसला ये है कि दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। तो बर्नौली कहता है कि आपके पास अभी वाई पावर माइनस टू है, हाँ जी सर, तो कितना ले लूँ सपोजिशन, वाई पावर माइनस थ्री ना यार, एक मिनट सर, माइनस सर माइनस थ्री ना, ना माइनस थ्री नहीं आएगा ना, नेगेटिव में मैंने शायद ये बताया था पिछले क्लास में कि अगर आप इसको माइनस वन कर दोगे तो डेरिवेटिव से ये माइनस टू बन जाएगा, बाद में तो हमें डेरिवेटिव लेनी है ना। अच्छा उस तरह तो ये नहीं, बात सुने ना, अगर पॉजिटिव पावर है, एक मिनट सबर कर, मैं ऊपर आपको स्लाइड पे लिखता हूँ क्या हुआ यार, एक मिनट, ये खाली जगह पे स्लाइड को देख ले। असल में अगर आपके पास ये वाई स्क्वायर है, हाँ अगर आपके पास ये वाई स्क्वायर है तो आप वी को ले ले, वी को आप ले ले वाई क्यूब। क्यों वाई क्यूब लेता हूँ, ताकि डेरिवेटिव लेने से ये वापस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है ना तो इस तरह बनेगा थ्री वाई, थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर डी वाई, हाँ तो इसको देख लेना। तो अब अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल माइनस टू है और मैं से पोजीशन में माइनस थ्री ले लूँ तो फिर तो ये पावर में माइनस फोर बनेगा, तो इसलिए बेहतर यही है
कि आप इसको माइनस वन ले लें तो डेरिवेटिव में एक माइनस एट हो जाएगा, तो फिर ये माइनस टू बनेगा। तो ये अभी मैं थोड़ा सा मैंने उस टाइम ब्रेक ले लिया जब हम इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे थे कि अगर न्यूमेरिकली पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में y2 के बाद अगर पावर y2 है तो आप सपोजिशन y3 ले ले, लेकिन अगर नेगेटिव में y पावर माइनस टू है तो आप सपोजिशन एक दर्जा बढ़ाना है इसका। हाँ, एक दर्जा बढ़ाना है, यही बात है। तो माइनस टू में बढ़ाने से माइनस वन बन जाएगा ना जी सर। तो इसलिए मैंने यहाँ y पावर माइनस टू को लिया है वन ओवर y, वन ओवर y का मतलब y पावर माइनस वन। तो ये मैंने देखिए, ये मैंने सपोज कर दिया y पावर माइनस वन, और फिर जब डेरिवेटिव ले लिया तो माइनस वन फ्रंट पे आ गया, y पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसको ऐसा कर लें, क्या करें, वन ओवर y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट बना माइनस डी वी बाई डी एक्स, और इसको पुट कर लें ओरिजिनल इक्वेशन में। तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन में ये था वन ओवर y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी जगह पे ये पुट हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स डी एक्स, और एक टर्म था मेरे पास वन ओवर x इन टू वन ओवर y, उस वन ओवर y की जगह पे क्या पुट हुआ v v, और राइट साइड फंक्शन एज इट इज। अब आप इस माइनस को उड़ा ले, ये माइनस दोनों साइड पर मल्टीप्लाइड करें तो डी वी बाई डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स इन टू वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स। नो, दिस इक्वेशन इज इन लीनियर बट इन वेरिएबल वी, वेरिएबल वी में ये लीनियर हो गया। तो वी के फ्रंट पर जो फंक्शन पड़ा है ये पी है, दिस इज द पी फंक्शन, और ये क्यों फंक्शन है। अब पी फंक्शन को ई के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग एक्स, और ये जो माइनस पड़ा है इस माइनस को लॉग रूल के मुताबिक ऊपर ले जाओ, ये देखिए ऊपर चला गया और लॉग कैंसिल हो गया, एक्स पावर माइनस वन का मतलब हो गया वन ओवर एक्स। सो दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर, और इस इंटीग्रल फैक्टर को अब एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास वी है, पहले हमारे पास वाई होता था अब वी है, तो वी मल्टीप्लाइड इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यों इंटीग्रल फैक्टर। तो क्यों मेरे पास वन ओवर एक्स है और इंटीग्रल फैक्टर मेरे पास वन ओवर एक्स है, और क्यों फंक्शन मेरे पास माइनस वन ओवर एक्स लॉग एक्स है, ये था। हाँ यस, हाँ। तो अब क्या करना है पता है, वन ओवर एक्स और वन ओवर एक्स का मतलब हो जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो वन ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया, एक्स पावर माइनस टू बना टू, तो एक्स पावर माइनस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन कैसे ले ले। हाँ कैसा, एक्स पावर माइनस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये असल में प्रोडक्ट में पड़ा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब लॉग और पॉलीनोमियल मल्टीप्लाइड में हो, लॉग और अलजेब्रा दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड में हो, तो लॉग को आप लोगों ने फर्स्ट कंसिडर करना है। यस, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैंने लॉग को फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखिए इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर नीचे एक वन एट कर दिया, प्लस जी प्लस या बल्कि माइनस, माइनस होल इंटीग्रेशन, तो ये माइनस प्लस कैसे हो गया, असल में एक माइनस वहां पे पड़ा था जी सर, तो प्लस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, ठीक है। यस, और इंटीग्रेशन से एक माइनस फिर आ गया, तो इस माइनस ने इस प्लस को फिर माइनस कर दिया, और वन ओवर एक्स और वन ओवर एक्स से वन ओवर एक्स स्क्वायर बन गया, और एक्स स्क्वायर का मतलब वन ओवर एक्स का मतलब एक्स पावर माइनस टू, और एक्स पावर माइनस टू का जब मैं फिर इंटीग्रेशन ले लूँगा तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, ये आ गया, माइनस वन फिर नीचे आ गया, उस माइनस ने फिर उस फ्रंट वाले माइनस को प्लस कर दिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर आपको जो वन ओवर वाई नज़र आ रही है, असल में उस वी की वैल्यू है, वी को मैंने रिप्लेस कर दिया वन ओवर वाई से। यस सर, हाँ। अब मेरे ख्याल में कुछ लोग आ रहे थे अटेंडेंस की खातिर, लेक्चर तो वो लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब एक क्लास 10:30 बजे शुरू होता है और एक बंदा 12 बजे आता है, तो पता है इसका मतलब होता है कि ये मेहमान है, और मेहमान सिर्फ खाने के लिए आता है, खाने के लिए और बातें के बातों के लिए, वो सीखने के लिए नहीं आता। ये आ गया ना मोहम्मद यासर, पठान लोग नहीं है ये, बिल्कुल खाने के टाइम मेहमान बन के चला जाता है, ये भी इसी तरह करके आ रहा है।
कि वो क्लास ख़त्म है, वो तैयार टाइम में चले जाओ, अटेंडेंस लग जाएगी। यस किधर हो यासर? मोहम्मद यासर? यस सर। थोड़ी लेट रहा ले सर जी, इमरजेंसी सर जी, अस्पताल ना रहा लूँ। हाँ सर, तब अस्पताल ना होता तब पहचान दे, नूरम डेढ़ लेट रहा ले उसे क्या मैं लेगा वो सर? सर जी इमरजेंसी हुआ, ऑपरेशन हो लोगों सर जी, पेंट सेट वाला। अच्छा तो अभी है एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, बस आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल है। ओके, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये बर्नौली टाइप प्रॉब्लम भी है और साथ कंडीशन भी है, तो आखिर तकरीबन हर प्रॉब्लम पर कंडीशन यूज़ हो गया। अभी बर्नौली पर भी कंडीशन आ गया कि एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2। एनी हो, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जब ये सॉल्व होगा तो वाई क्यूब को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई क्यूब, तो ये जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से तो कट जाएगा। आप लोग, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट लेफ्ट साइड पर इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ये प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है तो जी सर, इसके साथ ही मल्टीप्लाइड हो गया, वाई फोर क्यूब बना, असल में एक वाई यहाँ पर अपना मौजूद है और एक वाई क्यूब आपने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो इसलिए ये आ गया। आके भी एक बात नोट करें, कभी कभी मैं डिवीजन करता हूँ, कभी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। अगर ये वाई क्यूब यहाँ पे ऐसा होता तो फिर मैं इसको डिवीजन से ख़त्म करता, लेकिन चूंकि अब ये खुद डिवीजन में पड़ा है तो मैंने मल्टीप्लाइड की वजह से इसको ख़त्म कर दिया राइट साइड से। बर्नौली यही कहता है ना कि जब इसको राइट साइड से ख़त्म करोगे तो ये लेफ्ट साइड में मसला क्रिएट करेगा। यस सर, और फिर उसको ख़त्म करना है ना राइट से करेंगे। बिल्कुल यस। अब ये वाई पावर माइन वाई पावर 3 बना, तो मैंने एक पावर इंक्रीज करके पोजीशन ले लिया, देख लें। यस सर, डेरिवेटिव लेने से ये क्यूब बन जाएगा, ये देखें क्यूब बन गया, 4y क्यूब dy by dx is equal to dv by dx। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर टर्म था वो ये है dy क्यूब dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 dv by dx। तो अब मैं ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चला जाऊंगा, तो मैं पुट कर सकता हूं कि y क्यूब dy by dx की जगह पर ये आ गया 1 ओवर 2x into y पावर 4। y पावर 4 की जगह पे क्या पुट हो गया जी, और लेफ्ट साइड पर x इन्वॉल्व था वो एज इट इज। अब 4 को यहाँ 4 को यहाँ से उड़ा दे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, ये 2 कट जाएगा, तो 2x by v, दिस इज द p फंक्शन एंड दिस इज द q फंक्शन। v में लीनियर है तो p फंक्शन है 2 by v, 2 by v को e के ऊपर लगाया, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर किया, 1 ओवर x के इंटीग्रेशन log x आ गया, और इस 2 को फिर लाग से इधर शिफ्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर बना, लाग और लाग कट गया, लाग और ई कट गया, तो इंटीग्रल फैक्टर इज एक्स स्क्वायर। नो फार्मूला, वी मल्टीप्लाइड इंटीग्रल फैक्टर और क्यू मल्टीप्लाइड फैक्टर का इंटीग्रेशन, तो क्यू फंक्शन है 4x और इंटीग्रल फैक्टर है एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर से बना एक्स क्यू, और यहाँ पर जो वी इन्वॉल्व है उस वी को मैंने वापस रिप्लेस कर दिया वाई पावर 4 से। गुड, और x क्यूब का इंटीग्रेशन बनेगा x 4 डिवाइड बाय 4, ये 4 और 4 उड़ जाएगा, तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा वो ये बनेगा। एंड नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, y 2 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 पावर 4 से बनेगा 16, और x तो ऑलरेडी 1 है, वो तो ख़त्म हो गया, और जब मैंने x की जगह पे यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, ये 1 वहाँ पे शिफ्ट करी तो c की वैल्यू कितनी 15, और ये वो 15 आंसर में आखिर में पुट हो गई बस। यस सर, तो यहाँ से आपके बर्नौली वाले टाइप्स पर भी इनिशियल कंडीशन ख़त्म होगी बात। तो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मैं सबको जगा के बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि पूरे वीक नंबर 1 से लेकर वीक नंबर 6 तक, ये 6 नंबर वीक का लेक्चर इंतहाई आप लोगों के लिए फ़ायदे वाला है, क्योंकि इसमें पूरा कोर्स रिवाइज हो गया। अब वो कमिंग क्लास में हमारा एक टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद ईद के बाद आपका लास्ट वीक लेक्चर होगा, तो कमिंग वीक को हमने इसी दिन पर आप लोगों ने क्लास लेनी है। ठीक है सर, ईद कब आ रही? वो जब पूरे मुसलमान बाप लोगों को इन्वॉल्व अनाउंस करेंगे तो पता चल जाएगा ना, मुझे क्या पता।
सही है सर। मैं तो खुद उस चक्कर में हूँ कि कब है। चलो एनी हो, चलो एक क्लास आ रही है हमारी ईद से पहले, ठीक है, ओके सर। उसके बाद लास्ट वीक है फिर हमारा वो, उसमें फिर असाइनमेंट्स वगैरह भी अपलोड करवाने हैं। ऑलरेडी अपलोड का एक असाइनमेंट हो गया, दो असाइनमेंट हमें मिड एग्जाम से पहले लेनी है, दो असाइनमेंट फाइनल एग्जाम से पहले। तो अभी जब मैं लास्ट, अभी जब कमिंग वीक में मैं आखिरी टॉपिक, आखिरी तो खैर नहीं होगा, वो टॉपिक जब मैं पढ़ा दूँ तो फिर आपको मैं असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा। तो जो बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं और उसके बाद एक वीक आ रहा है, तो असाइनमेंट लिखने में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा फिर आपको। ठीक है सर, सारी ईद के बाद ही हो बेहतर। चलो वो देख लेंगे फिर। ओके सर, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों की? नो सर, क्लियर है बस। सबर करें, हम लोगों को जगा दें। अटेंडेंस लेता हूँ पूरा। बस किसी का माइक अब कंबल में पड़ा होगा, देखता हूँ ना कि कौन जाग रहा है। हमायून किधर हो? हाँ अब्दुल, अब्दुल सबूर, हेलो। नहीं हुमायूं ने बस कैमरा ऑन किया है सर, देख लें। इसको मैंने ए कर दिया। इधर हाँ अब्दुल्ला जहूर, ये सबूर है और अगला जहूर है। यस सर, हाँ आखेब तो हो गया, ये ठीक ऊपर वाली पर है, ऊपर पूरे ऊपर सर। है। ओके चलो ए हटा दिया, आखेब तो है। इजाजुल्ला, यस सर, बख्तियार, यस सर, बिलाल, यस सर, देखिए मेरा नाम भी यहाँ पे मौजूद है, मैं तो प्रेजेंट हूँ। फरमानुल्ला नहीं है, एब्सेंट है। हमाद नहीं है, एब्सेंट। और हारून हैदर नहीं है। हसनैन नहीं है। हमायून भी नहीं है। इसके साथ तो मैं डबल ए यस लेके, सर, चल हाँ है सर, तो यम खाजी शुआ डबल ए की मेरा चोले खबर छोले। महमूद खान, यस सर, मोहम्मद सुहेल, मेहरान, मेहरान, एंड सर, हसनैन प्रेजेंट हूँ सर, ओके, मोहम्मद बिलाल, हसनैन प्रेजेंट हूँ सर, आपने इसको लगा दिया सर, हाँ प्रेजेंट शो, मोहम्मद बिलाल, सर हसनैन प्रेजेंट सर, 15 सर, ऑप्शन लगा दिया सर, आफा मेरे को करना, आफा मेरे को, प्रेजेंट सर, मोहम्मद बिलाल, ओके, मोहम्मद उसामा, यस सर, मोहम्मद यासर, यस सर, इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, न्याजबीन, यस सर, कैसर, यस सर, सदाम, सदाम हुसैन, यस सर, यस शाजेब, सर, शाजेब, यस सर, यस सर, सैयद, सैयद अहमद अली, तैमूर, यस सर, यासर जमान, यस सर, जियाउल्ला, यस सर, रईस, यस सर, सलमान, यस सर, वकार, सर, जहूरुल्ला, जहूरुल्ला नहीं है, चले जरूर सर, जरूर लाने में, यस सर, हाँ राघे जरूर ला, नेट एक्सप्लोरर सर, यस सर, क्या सर मेरा नाम नहीं दिया सर, क्या यस सर, कौन सा नाम, फरमान अल्लाह, हाँ कौन सा, फरमान अल्लाह, फरमान अल्लाह, यस सर, प्रेजेंट हूँ सर, जरूर ला सर, ओके सही है सर, हारून हैदर सर, हाँ हारून हैदर,
दागोर एब्सेंट है ऑफ द चत अवे ऑफ द चत अवे सर हमदम सर माइक प्रॉब्लम है सर मिस में तक है ओके जा ठीक शो बस ओके सर जरूर ले सही शो ओके बस क्लास खत्म हुआ के सही ओके ओके ठीक है सर ओके मोला प्रेजेंस हां ओ मेगा कम कसान आवाज लगा कर प्रेजेंस जरूर ले सर ओ मेगा ओके सर मेरा रह गया ये सर हो गया फरमान अल्लाह फरमान अल्लाह ए हटा दिया मैंने जो ए लगाया था वो हटा दिया ओके सर अल्लाह ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।